हेलो गाइस, माय नेम इज अमनान हुसैन एंड आई एम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ एक्सप्लोर द डेफसिंग पर्सनैलिटी। सो आज जो मेरे साथ एक पर्सनैलिटी मौजूद हैं वो हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो भी सीनियर। सो डेवलपर्स तो बड़े खुशहाल होते हैं, चलें बाकी चीज़ें उन्हीं से पूछते हैं। जी तला, तो आप ये बताएं कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बनते हैं? अमनान, इसके लिए थोड़ा सा डिग्री करनी पड़ती है, आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, आपको जो है इस किस्म के काम करने पड़ते हैं, प्रॉबेबली आपको करनी चाहिए थी। अच्छा, ये बताएं कि आजकल जो एक ट्रेंड चला हुआ है स्किल ओवर डिग्री, काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स भी कहते हुए नज़र आते हैं और काफ़ी एक शोर मचा हुआ है, तो उसके बारे में आप क्योंकि फील्ड में है तो आपका क्या ख्याल? मैं थोड़ा सा इस चीज़ से निगेट करता हूँ, वो इस सेंस में कि आपके पास स्किल्स होना ज़रूरी है लेकिन साथ में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। डिग्री ये शो करती है आप कितने कंसिस्टेंट हैं, अगर आपने थ्रू आउट अच्छे मार्क्स लिए आपकी कंसिस्टेंसी शो हो रही होती है। आपकी नज़र में एक अच्छे डेवलपर की क्या खसूसियात हैं, क्या करेक्टरिस्टिक हैं जिनकी बेस पर वो सर्वाइव कर सकते हैं? डेवलपर नहीं, ओवरऑल किसी भी काम के लिए डेडिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप अपने काम से लॉयल हो, लॉयल्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप जो है उसमें प्रोफेशनल रहो, जो आपसे चीज़ें रिक्वायर हैं आप उनको टाइमली और फुली डेडिकेशन के साथ आप उसको परफॉर्म करो। ओ हाँ, मुझे याद आया यार, आप भी तो एक डेवलपर ही है ना, तो चले अपना इंट्रोडक्शन भी करवा लें। सबसे पहले चीज़ मैं थोड़ी सी आपकी करेक्शन करना चाहूँगा, डेवलपर नहीं हूँ मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरा ख्याल है कि इस पे हमने एक वीडियो शूट की हुई है, आपको जाके दोबारा से वो देखनी चाहिए। ऑन अ सीरियस नोट, जो कोई भी डेवलपर इंजीनियर का डिफरेंस देखना चाहे, वी डू हैव अ वीडियो ऑन दैट, सो डू वॉच दैट। ओके, अब अपना इंट्रोडक्शन भी करवा। ओके, सो माई नेम इज़ मोहम्मद तलहा मकसूद, आई एम सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट डेफसिंग। इसके अलावा जो है आई एम ऑपरेशन एंड ब्रांडिंग मैनेजर हेयर एज वेल, और रिसेंटली आप लोग ने मुझे चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर का टाइटल भी दिया, सो दैट्स, सो आई एम वेयरिंग मल्टीपल हैट। एक डेवलपर या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई मेड माई सेल्फ करेक्ट, तो वो अपना डेफसिंग में कैसे करियर स्टेप बाय स्टेप क्या है उसका? डेफसिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा मेच्योर हो चुका हुआ है। आप सबसे पहले जब आपकी रिक्रूटमेंट होती है, आपकी ऑनबोर्डिंग से लेके आपकी जो है डेवजिंग में आपके आने तक, आपकी ट्रेनिंग और आपकी टीम एलोकेशन और हर एक चीज़, इट्स अ प्रॉपर प्रोसेस। सो आप जो है बहुत सारे मल्टीपल प्रोसेस से गुजर के जो है एक प्रॉपर टीम का पार्ट बनते हैं, सो इट्स रियली मेच्योर एंड इट्स रियली ग्रेट। और इसीलिए इट्स बिन मोर देन 3.5 ईयर्स आई हैव बिन विद डेवजिंग, और ये मेरी पहली कंपनी है और इंशाल्लाह देयर आर लाइक मैनी मोर ईयर्स टू गो। सो ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट हमारा है क्विकली क्वेश्चन एंड आंसर, सो आपने क्विकली जवाब देना, ज़्यादा सोचना नहीं है। सही है। सो पहला सवाल, क्लाइंट को कभी मामू बनाया तला? मौके आ जाते हैं ऐसे, लाइक के रात में 4 बजे का कोई क्लाइंट कह रहा है और कोई काम ऐसा है नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो हम उसको कह देते हैं कि वी विल लेट यू नो। ओके, हमारे एक प्यारे से मेजर साहब हैं जिनका हमने पहले इंटरव्यू भी किया था एक्सप्लोर द पर्सनैलिटी में, तो उनको कभी गोली कराई हो? मेजर साहब ने हमें हमसे गोलियां चलवाई हैं लेकिन अभी तक मौका नहीं मिला उनको गोली कराने का, अगर कोई ऐसी अनरियलिस्टिक बात करेंगे तो ज़रूर। ओके, अपने हब स्टाफ पे टाइम मॉनिटर डिवाइस पे उस पर कभी फेक वर्क किया हो स्क्रॉलिंग? नहीं, जिस तरह से अब डिपेंडेंसीज आ चुकी हुई हैं टाइम यूजुअली ज़्यादा ही जा रहा होता है, तो इस किस्म के काम की नहीं जरूरत नहीं पड़ती। सो कभी आपका वैसे हब स्टाफ है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, के कभी टिकट असाइन की हो पीएम ने या क्लाइंट की तरफ से कोई आया हो काम तो वो किसी और पे थोप दिया हो? बचपन में करते थे ऐसी हरकतें लेकिन अब डिपेंडेंसीज को देखता है इंसान, और लेकिन हाँ अगर कोई बहुत ज़्यादा हाई प्रायोरिटी टिकट है तो वो उस बंदे को ज़रूर असाइन कर दी जाती है जिसको ज़्यादा डोमेन नॉलेज हो। ओके, वैसे तो तला आप बड़े प्यारे दिख रहे हैं मुझे अभी बाकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स से, तो मुझे ये बताएंगे कभी किसी लड़की ने मतलब रिजेक्ट किया हो फिर भी? थैंक यू सो मच अमनान, लेकिन मुझे थोड़ा सा आपसे डर लग रहा है, सो स्टे अवे फ्रॉम मी। बाकी आपके सवाल का ये जवाब है कि हाँ, यूनिवर्सिटी टाइम पे ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ जूनियर्स वगैरह जो हैं तो गोलियां करा देते हैं उनको भी फिर कि नहीं आप बहनों की जैसी हैं। नहीं, मैं रीफ्रेज भी करके पूछ लेता हूँ कि आपको किसी ने रिजेक्ट किया? आपने खुद ही अभी मेरी तारीफ की है तो मैं नहीं चाहूँगा मैं इसका जवाब दूँ। ओके तला, कभी मार्केटिंग टीम डेफसिंग डिजिटल मार्केटिंग भी कभी कभी बुराई की हो? यार सबका एक ही मसला है, मतलब आप बहुत ज़्यादा लोग शोखे हैं, क्या वजह है इसकी? थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ओके तला, मुझे ये बताएं 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव चीज़ें अबाउट योर टीम लीड। टीम लीड के बारे में पॉजिटिव चीज़ें बहुत सारी हैं, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, काम अपना ज़्यादा किसी पे भी जो है वो बिला वजह नहीं थोप देते, टाइम पंक्चुअल हैं और जो है वो क्या उसे कहते हैं, उनको पता है काम किस तरह से कराना है।
नेगेटिविटी में मैं बस यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा चीज़ों, कोई भी पॉजिटिव चीज़ भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चले जाए तो वो नेगेटिव होने लग जाती है. इसके अलावा कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं. ओके, मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट सेगमेंट दैट इज ऑनेस्टली क्वेश्चन एंड आंसर्स. सो अभी आपसे थोड़े चटपटे सवाल पूछते हैं, आपने सच्चे जवाब देने उसके. मैं आपको ऑलरेडी भी सच ही बता रहा हूँ, मेरा आपका कौन सा मजाक है. ओके, तो ना माशाल्लाह आपके तो बाल हैं, मैं देख रहा हूँ आपकी खेती आबाद है, लेकिन काफ़ी डेवलपर्स के यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के मैंने देखे हैं बाल नहीं होते, गंजे होते हैं, यही क्या सीन है यार. मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है काम का, तो वो स्ट्रेस ले ले के थोड़ा सा खुद भी जो है परेशान हो के अपने बाल खुद ही नोच लेते हैं. अच्छा, मतलब आप खुद को भी एक अच्छा डेवलपर कह रहे हैं. अच्छा साला, एक डेवलपर की शादी भी एक डेवलपर से होनी चाहिए या नहीं? दो सेम लोग हो जाएंगे, मेरा ख्याल है टाइम जोन का बड़ा फर्क आ सकता है, कोई दिन में काम करा होगा कोई रात में, तो आई डोंट नो. अच्छा, एक मैंने सुना है कि यार डेवलपर्स ये आईडी हैक कर लेते हैं, ये डेटाबेस में घुस गए, मूवीज में ये हो गया वो हो गया, तो ये क्या क्या सीन है? मूवी में हल्का फुल्का सा स्क्रिप्ट रन किया होता है, बाकी बहुत सारे लोग आज भी मुझे कहते हैं कि किसी फला परी डॉल की फेसबुक आईडी हैक करके दे दो. सो सबको ये एक गलतुलवाम मैसेज जो है इसको मैं थोड़ा डिलीवर करना चाहूँगा कि डेवलपर, इंजीनियर और हैकर टोटल डिफरेंट चीज़ें, हम लोग आईडी हैक नहीं करते. एक एडवाइस अपकमिंग जनरेशन के लिए कि वो कैसे अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं या डेफसिंग में आना चाहते हैं तो ओवरऑल क्या करना चाहिए? क्योंकि हर एक चीज़ जो है वो टेक्नोलॉजी पर जा रही है, हर एक चीज़ टेक्नोलॉजी पर मूव करी है, तो इट्स अ वास्ट फील्ड, इट्स द बेस्ट फील्ड. लेकिन मेन बात वही है कि अगर आप लोगों का इसमें इंटरेस्ट है, डू कम एंड वी डू हैव अपॉर्चुनिटीज हियर एट डेवसिंग एज वेल, सो डू अप्लाई, यू गाइस वुड लव इट हियर. थैंक यू. ओके तला, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, एंड इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू. थैंक यू.